हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाऊंगा कोटरी कट ब्लाउज कटिंग। मैंने ले लिया है 1 मीटर लाइनिंग। पहले हम लाइनिंग को कट कर लेते हैं, फिर उसका बाद हम इसका जो मेन कपड़ा है उसमें कट करेंगे। अब जो लाइनिंग है इसको हम डबल फोल्ड कर लिया, आपको भी इसे डबल फोल्ड कर लेना है 1 मीटर लाइनिंग में। सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्लाउज लेना है। पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं, जो मेरा ब्लाउज का जो मेजरमेंट है, मेरा ब्लाउज का जो मेजरमेंट है, लंबाई है 14 इंच, आपका चेस्ट है 40, अपर चेस्ट है, यू सी अपर चेस्ट है 36, और इसका कोमर है, वेस्ट है 30 इंच, और इसका जो पॉइंट है मान लीजिए 9.5 इंच। ये है मेरा मेजरमेंट, आप देख सकते हो, ये मेरा मेजरमेंट। इसको हम कटिंग करेगा कोटरी, और आपको हम जो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमको ब्लाउज का जो लेंथ है, लेंथ को हमको देना होगा। ये जो लेंथ है हम इसको 14 इंच रखेंगे, ठीक है। 14 इंच पे हम एक लाइन खींच लेगा इसे। इसके बाद आता है इसका जो हम फ्लैट देंगे, इसका फ्लैट होता है कितना, 1.5 इंच। 1.5 इंच पे हम कर दिया। उसके बाद जो कोमर है आप देख सकते हो, 30 इंच कोमर है, हमको इसका 30 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा कितना आ रहा है, 7.5, ठीक है। हमको 7.5 पे निशाना लगाना है। उसके बाद जो पीछे में टेकिंग होता है हम 1 इंच यहाँ पे देंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है इसका हमको पुट कितना रखना है। पुट जो है हमको क्या करना है, हमको ये जो 30 है, 30 से हमको कितना करना है, इधर जो हमको 10 इंच मिला ना, बैक का जो 10 इंच है, और इधर जो हम 1 इंच करके 2 इंच डाला है, हमको क्या करना है, इसको प्लस कर देना, 2 इंच और प्लस करना। टोटल हमको 30 को 12 से डिवाइड कर देना है। जितना आएगा वही मेरा पुट होगा। मान लीजिए मेरा कितना आएगा आपको दिखा दे रहा है, 1 मिनट। पीछे का जो डीप है हम मान लीजिए 10 इंच, ठीक है, और यहाँ हम 1 इंच करके एक्स्ट्रा जो दिया इसको हम और 2 इंच प्लस करेंगे, मेरा आ गया कितना, 12, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा अगर डीप होता है पीछे का 8 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 इंच करके 2 इंच हमको इसको और डालना है। मतलब आपको पीछे का डीप जितना होगा आपको और 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। आपको कितना आएगा, 10 इंच आएगा। मान लीजिए मेरा पीछे का डीप 7 इंच हो गया, हम और 2 इंच प्लस करेगा, इसका आपको आ गया 9 इंच, ठीक है। फिर मान लीजिए मेरा जो कोमर है 30 इंच, इसको हम 30 इंच देगा, देने के बाद मेरा डिवाइड करेंगे इसको और कितना से 10 + 2 मतलब 12 से, ठीक है। मेरा कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 2.5, मतलब हमको 1.5 इंच यहाँ पे रखना है। इसका जो पुट होगा 1.5 इंच होगा। मेरा जो फ्लैट है 1.5 इंच दिया है, इसका पुट भी हम 1.5 इंच दे, ठीक है। मतलब मेरा शोल्डर जो है 10 इंच हो गया, ठीक है, 5 5 करके 10 इंच हो गया। इसको हम एक लाइन देगा, ऐसी एक लाइन खींचना है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको यहाँ से लेके 6 इंच में एक निशाना देना है, ठीक है। ये आपका अपर चेस्ट का जो जहाँ पे अमूल बनेगा उसका निशाना है। और हमेशा ब्लाउज जब आप कटिंग कीजिएगा, अपर चेस्ट से कटिंग कीजिएगा, आपको हम हमेशा ही बोलते हैं चेस्ट मत कटिंग कीजिएगा। मेरा जो अपर चेस्ट है कितना है, 36 है, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, करने के बाद मेरा 9 इंच आ रहा है, ठीक है। हम 9 इंच पे एक निशाना देगा, हो गया। मेरा जो चेस्ट है मान लीजिए कितना, 40 है, हमको इसको अमूल को रखना है 8.5 इंच, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इधर 1 इंच निशाना देना है, और इस ये जो है इसको हम आधा देगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको जो राउंड है यहाँ से देगा, देखिए यहाँ से लेके ऐसे आपको मिला देना है, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है, मेरा अमूल हमको मापना है 8.5, ठीक है। मेरा 8.5 आ गया, मान लीजिए आप मुझे यकीन है। देखिए हमको अभी क्या करना है, हमको ये यहाँ से लेके ऐसे निशाना खींचना है दो, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसके बाद इसका जो पॉइंट को हम 9.5 इंच रखे है, इसको हम एक लाइन देगा, ठीक है। लाइन देने के बाद यहाँ से लेके हम यहाँ इसको 4.25 देगा, ठीक है, 4.25 इसको कर दिया, ये हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो मिडिल जो यहाँ से जो हम इसको 9.5 इंच जो दिया है, इसके बाद हमको दो चीज करना है। सबसे पहला चीज है यहाँ से एक 1.5 इंच पे निशाना लगाना है, अब देख सकते हो यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशाना लगाना है, इसे एक लाइन खींचना है ये जो पॉइंट का ऊपर में, ठीक है। और ये जो चीज है यहाँ से आपको कितना करना है, 2 इंच 2 सूत, ठीक है, 2 इंच 2 सूत पे एक लाइन खींचना है, ठीक है, ये लाइन खींचना है, बस यही है आपका जो अब आपको हम बता रहे हैं इसमें जो आपको कोटरी काट आपको कैसे आएगा, ठीक है। ये जो कोटरी काट जो है
आपको क्या करना है, अब मान लीजिए यहाँ से ये जो लाइन है हमको कितना है 6 इंच आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये अगर 6 इंच आया, हमको आधा इंच और बढ़ाना है, हमको करना है यहाँ से 6.5, 6.5, ठीक है 6.5। देखिए यहाँ पे हम 6.5 कर दिया, यहाँ पे भी हम 6.5 कर दिया, ठीक है। हमको यह क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन काट देना है, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है नेक, यहाँ जो हम इसका जो सामने का नेक है 8 इंच है, इसमें 8 इंच हम मार्क कर लिया। यहाँ पे हम 1.5 इंच डालें और हमको यहाँ पे 3 2 सूत डालना पड़ेगा, ऐसे इसको हम डाल दिया, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, इसको हम गोलाई दे देना है, ठीक है। ये मेरा नेक का हो गया, ठीक है, ये सामने का नेक हो गया। हमको अब क्या करना है, हमको क्या ये जो चीज है, यहाँ से जो पॉइंट है, हमको यहाँ से लेके ये निशाना को ऐसे मिलाना है, देखिए आराम से, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए मेरा जो कोटरी का पट्टे आ गया, ठीक है, कितना आसान है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये मेरा मान लीजिए ये नेक है, ठीक है, ये मेरा मिडिल पॉइंट था, यहाँ से लेके यहाँ तक 9.5 इंच है। हमको क्या करना है, ये जो लाइन है यहाँ से लेके पॉइंट तक आना है, ठीक है, इसी आपको आना है, यहाँ से लेके इसी पॉइंट तक हम आ गया। फिर हमको क्या करना है, यहाँ से लेके फिर यहाँ ऊपर तक आना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। फिर हमको ये चीज को कितना रखना है, मेरा आमूल जितना आएगा ये चीज को भी उतना रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका आमूल आ गया 8 इंच, ठीक है, आपको मान लीजिए ये वाला आमूल आ गया 8 इंच, आपको इसको क्या करना है, 1/2 इंच कम कर देना है। आमूल जितना हो उससे आप 1/2 इंच इसको कम कीजिएगा हमेशा ही, ठीक है। अब मेरा आमूल आया कितना, इतना 8.5 इंच आया है, ठीक है, 8.5 इंच आया। आपको एक चीज बोलना भूल गया था, ठीक है, आपको क्या करना है, चेस्ट से 5 से आप तो डिवाइड कर देते, ठीक है, आपको निकलता है कितना। अब जब भी आप चेस्ट को आमूल का जब आप हिसाब जोड़िएगा, आपको क्या करना है, जो चेस्ट जो है चेस्ट को से लेके आपको 5 से डिवाइड कीजिएगा, करने के बाद आपको कितना आ रहा है, मेरा 5 से डिवाइड करना 8 इंच आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा और जोड़ देना है, मतलब 8.5 इंच हो गया, ठीक है। मेरा आमूल अगर इधर आपको 8.5 इंच आ गया, हमको ये चीज़ को करना है 8 इंच, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ से लेके इसी मिलाना है, ठीक है। 8 इंच कहाँ पर आ रहा है, 8 इंच लेके यहाँ पे आ रहा है। देखिए मैंने जो लाइन जो स्टार्ट किया था यहाँ से लेके पॉइंट तक आया, फिर हमको क्या करना है, यहाँ से लेके पॉइंट तक आना है, इसको ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसी शेप दे देना है। फिर हमको क्या करना है, फिर उसके बाद हमको यहाँ से जो 1.5 इंच है, कम से कम 1.5 इंच, ठीक है, हमको लाइन को बराबर रखना है, ठीक है। उसके बाद हमको ये चीज़ को ऐसे यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गया, देखिए कितना आसान है, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। फिर हमको क्या करना है, उसके बाद हमको यहाँ से लेके ये जो चीज़ है यहाँ से हमको मान लीजिए 2 इंच नीचे करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ था जो हम जो यहाँ से जो जितना दिया था यहाँ से भी हमको इतना ही करना है 2 इंच, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो स्केल है यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ को, ये वाला पॉइंट को आपको क्या करना है, इसको ऐसी शेप देना है, देना है, ठीक है। ये मेरा बेल पीस आ गया, ठीक है। देखिए लगभग मेरा मार्किंग जो कोटरी कट का जो है हो गया। अभी हम क्या करेगा, अभी फ्रंट पार्ट हम कटिंग करेंगे, सर उसके पहले हमको क्या करना है, मार्जिन को हमको दे देना है, ठीक है, ऐसे हम मार्जिन को दे देते हैं। फिर उसके बाद मेरा तो जो मार्किन है हम कंप्लीट हो गया, हम इसको काट कर लेते हैं। आपको भी 1/2 इंच जैसे मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ के काट करना है। आप जब भी कटिंग कीजिए पहले आप बैक में मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद आप फ्रंट काटिए, ठीक है। आपको भी ब्लाउज हम आपको जो चीज देखा रहे, आपको ब्लाउज आपका हमेशा ही परफेक्ट होगा, आपको ब्लाउज में कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमको अभी क्या करना है, हमको टोटल हमको अभी इसको इसका जो बेल पीस है बेल पीस को निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेगा, ये जो चीज है, ठीक है, मैंने तो हमने क्या किया था, जो पीछे में जो इसको जो 2 इंच एक्स्ट्रा दिया था हमको, तो मेरा जो सामने में तो बेंड हो रहा है ना, हमको फिर बेल्ड का मार्जिन हमको निकाल देना है, ठीक है। मेरा जो कोमर है उसका देखिए आप देख सकते हो तो 30 इंच है, हम यहाँ से लेके 1/4 इंच एक मार्किन लगाएगा, यहाँ से लेके 1/4 इंच मार्किन। ये जो है ये मेरा पीछे का मार्जिन है, ठीक है। ये बेल जो हम काटेंगे इसमें तो टेकिन वगैरह कुछ नहीं होता ना, इसको ले हमको मार्जिन निकाल लेना है, ठीक है। देखिए ऐसे हम इसको मार्किन कर लेते हैं, मेरा हमको कुछ करना नहीं है, ये जो चीज है हमको खाली इसको मार्किंग को कॉपी करना है, बस मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो ये मेरा बेल्ट पीस हो गया,
इधर हम थोड़ा सा जो मेजरमेंट लिखा था थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा शायद कि मेरा बेल फिश हो गया। इसको क्या करना है, हमको इसको काट कर देना है। देख। देख। आप भी एक मार्केट में कोई भी सूता दुकान में जाइएगा, जाके ये वाला एक चीज खरीद लीजिएगा, ज्यादा दाम नहीं है, आपको कम से कम 50 रुपया भी आपको मिल जाएगा, और ये वाला अच्छा लीजिएगा आपको 200-300 रुपये लग जाएगा। आप सूता तो कोई भी दुकान जाके इसे खरीद लीजिएगा, तो आपको जो ब्लाउज जो कटिंग करना है आपको बहुत ही आसान होगा। ठीक है, इसका बाद हम क्या करते हैं, इसका बाद ये जो चीज है इसको हम कटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट को हम कटिंग कर रहे हैं। इसमें देखिए इसका टोटल पार्ट होता है, देखिए ये वाला एक पार्ट हो गया। ठीक है, आपको हम देखा जा रहा है। देखिए अब पहले हम एक फिश बेल फिश कटिंग कर ले। ठीक है, ये वाला एक पार्ट हो गया। ठीक है, अभी हम काटते हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, ये वाला दो हो गया, ये वाला हो गया तीन, और टेकिंग पीस हो जाएगा चार। हम अभी दूसरा नंबर कटिंग कर रहे, हमको क्या करना है इसको। ठीक है, ये मेरा नेक है, हमको क्या करना है यहाँ से लेके इसी ये वाला जो है, हम जैसे मार्किंग दिया था हम उसी करेगा, हम इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। देखिए हम ये वाला निशाना दिया, ये मेरा जो 1 इंच जो हम एक्स्ट्रा दिया था वो पीछे के लिए, हमको ये वाला निशान पकड़ना है। ठीक है, हम इसको काट कर लेते हैं। ठीक है, आपको जो भी चीज, आपको जो भी मार्किंग देना है आपका पीछे में देना है, सामने में कुछ आपको झमेला ज्यादा नहीं आएगा। तो फिर हम पहले हम इसको मार्किंग कर लेते हैं सही से, आपको भी समझ में आ गया। ये वाला जो चीज है, ये बेल पीस जहां पे आपका खत्म हो रहा है ना, यहाँ तक काटेंगे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक होगा, नीचे तक नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। देखिए वो इधर थोड़ा मान्य रखें जैसे कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरा 2 नंबर पीस कटिंग हो गया, ये 2 नंबर पीस था, अब करना है 3 नंबर पीस। ठीक है, जो कोटुरी जिसको बोलते हैं, ये कोटुरी का भी कटिंग करना है। ठीक है, कोटुरी को कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कपड़ा है ना जो थोड़ा सा तीचा देना है। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला जो मेरा कपड़ा है, देखिए इसका जो तार होता है कपड़ा का, तार का भी हिसाब है। देखिए ये जो कपड़ा है, ये मान लीजिए ये वाला हो गया खड़ा। ठीक है, ये वाला हो गया आरा। ठीक है, मान लीजिए ये कपड़ा का तार हो गया आरा, ये हो गया खड़ा। ठीक है, हमको क्या करना है, ये कपड़ा जैसे ऐसे आपको स्ट्रेट नहीं बिछाना है, आपको कपड़ा को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देना है। देखिए ये वाला जो मिडिल पीस है, आपको क्या करना है ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर देना, जब आप कोटरी पीस को जब कटिंग करेंगे हमेशा ही के लिए। ठीक है, तब आपका अच्छा फिट आता है। हमको क्या करना है, यहाँ से लेके इसको ऐसे निशाना बांध देना है, और यहाँ से हम 2 फुट इसे इसको अंदर का तरफ मरका मारेंगे जो आपको ना बारे। देखिए अरे वाला जो मिडिल पर है इसको भी निशाना मार देना है। ठीक है, आप देख सकते हो अच्छा। ये वाला जो चीज है, ये वाला आपको बहुत कम लग रहा है। देखिए ये चीज जो है, आपका जो सामने का डीप ज्यादा है उसलिए आपको कम लग रहा है। अगर मान लीजिए आपका डीप अगर थोड़ा कम होता, मेरा मैंने कितना 8 इंच रखा था, और मान लीजिए आपका 7 इंच होता और 1 इंच आपको बढ़ जाता। ठीक है, ये चीज बढ़ जाता है, ये आपका जितना डीप होगा ये वाला चीज आपको उतना छोटा होगा, ये आपका हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम काट कर लेते हैं। देखिए इसको कटिंग करने में ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है, आप एक दो बार पेपर में प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी के साथ आ जाएगा, आपका जो ब्लाउज का फिटिंग भी आपको अच्छे से होगा। ऐसा नहीं जो आप एक दो बार वीडियो देख ले आपको कटिंग करना आ जाएगा, इससे कुछ नहीं होता है, आपको कम से कम प्रैक्टिस करना, कुछ भी काम अगर कीजिएगा प्रैक्टिस पहले करना होगा तभी आपको आएगा। ठीक है, नहीं तो उसके बाद नहीं आएगा, आप जितना भी वीडियो देखेगा आपको समझ में नहीं आएगा।
आप सोचेंगे हमसे हो जाएगा, लेकिन अब जब करने जाएगा ना आपको कुछ बहुत प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना है जो है ये वाला चीज जो है हम कितना किया था इसको 8 इंच किया था। ठीक है, हमको दो मेजरमेंट करना है, ये वाला मेरा हो गया 8 इंच। ठीक है, हमको अभी हम टेकिंग पीस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जो कपड़ा है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, हम जैसे फोल्ड कर रहे हैं आप देख सकते हो, ऐसे फोल्ड कर देना है। हमको क्या करना है, इसको एक निशाना मान लेना। ठीक है, हम मैंने क्या किया, ये जो कपड़ा है इसे फोल्ड कर लिया। हमको क्या करना है, ये चीज जो हम मेरा 8 इंच है, हमको क्या करना है यहाँ से 4 इंच रखना है। ठीक है, कपड़े जैसे हम फोल्ड किया 8 इंच में, हम इसे 4 इंच में एक निशाना रख दिया। फिर हमको क्या करना है, ये वाला जो चीज है जो 2 नंबर पीस जो काटा था, हमको क्या करना है, ये जो चीज आप देख लीजिए। ठीक है, ये चीज ये नेक पे आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कितना इंच आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ तक। ठीक है, ये चीज जो जुड़ने के बाद सिलाई करने के बाद मेरा कितना आएगा, मान लीजिए 3 इंच आएगा। फिर हमको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इंच देना है। ठीक है, 3 इंच देना है और यहाँ से 200 बारह देना है मिडिल में। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ऐसी एक लाइन खींच देना है। देखिए, ये मेरा टिकन पीस हो गया। फिर हमको क्या करना है, देखिए आपको जोड़ने के बाद आपको ये चीज रेडी होगा। देखिए, आप ये बेल पीस है, यहाँ से आपको जहाँ से हम निशाना दे रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आपको निशाना करना है कितना इंच आ रहा है। देखिए, मेरा कितना आ रहा है, 6.5, मतलब हम इसको कितना मार्जिन दिया था, मेरा 8 इंच दिया था। ठीक है, हमको करना है कितना, 6.5, 6.5 मतलब 3 200, हमको 3 200 पे एक निशाना करना है। करने के बाद ऐसे हमको निशाना मारना है, ऐसे निशाना मारना है। ठीक है, और उसके बाद आता है ए चीज। ठीक है, ए चीज हम कितना दिया था, 2 इंच 200, आपको याद होगा। हाँ, 2 इंच 200 था। फिर हमको क्या करना है, यहाँ से लेके 2 इंच 200 तक एक निशाना मारना है। देखिए, मेरा टिकन पीस हो जाएगा, 1 मिनट देख सकते हो ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मार्किंग कर लेना ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हो ये जो है आपको क्या करना है, आपको एक तरफ, ठीक है, एक तरफ नहीं काटेगा, एक तरफ लेकिन काट जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से जो है ये एक तरफ काट जाएगा मार्जिन छोड़ के। ठीक है, ये जो छोटा वाला जो चीज है आप देख सकते हो, देखिए ये जो छोटा चीज है ये आपका सामने का तरफ जहाँ से आपका हुक होगा वहाँ तरफ है, और ये वाला चीज आपका पीछे का तरफ। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको आप पहले टेगिन मार दीजिए, सिलाई मार दीजिएगा। ठीक है, पहले इसको ऐसे सिलाई मार दीजिएगा। मारने के बाद आपको जो ये जो पॉइंट है, आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट से देखिए, ये जो छोटा वाला जो चीज जो छोटा आपको दिख रहा है, इधर आपका ये साइड आपका बड़ा है, इस तरफ आपका छोटा है। आपको क्या करना है, छोटा से आपको इसे टिच कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हो इधर तो आपको पहले टेकिन हो गया ना, इधर पहले टेकिन हो गया, टेकिन होने के बाद ऐसे आपका आएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे टिच कर लेना है। ठीक है, ऐसे टिच कर लेना। देखिए, ऐसे टिच करने के बाद ये वाला चीज ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद इसको फिर आपको ऐसे टिच कर लेना है। देखिए, इसको ऐसे टिच कर लेना। फिर आपको फिर क्या करना है, ये जो चीज आपको टिच हो गया ना, फिर बराबर हो गया, फिर आपको फिर क्या करना है, इसको ऐसे टिच कर लेना है। तो देख सकते हो एक कुटरी कट ब्लाउज आपको हो गया। देखिए, और आपको जो फिटिंग भी आपको बहुत बढ़िया फिटिंग होगा, आपको फिटिंग में कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपको हम जैसे देखा है, आप एक दो बार फिफा में प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद हमको बोलेगा। आपको मेरा चैनल का हर वीडियो में आपको क्या बोलेंगे जो भी है आपको अच्छा से मिलेगा। ठीक है वीडियो, और आज का वीडियो गाइस इतना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो टाटा।